dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number 19 and we are going to talk about psychodynamic issues in organizational leadership. जब हम psychodynamic issues की बात करते हैं, तो हम concerned होते हैं इस अमर से कि एक leader की जो development of thought है, उसकी जो personality है, वो एक या दो दिनों के ऊपर मुनहसर नहीं है. इज़ is लाइफ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड हिज डिवेलपमेंट ऑफ थॉट देर इज अ लाइफ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड हिज और हर डिवेलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी और उसके लाइफ के जितने भी इंसीडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स हैं वो यकजा होकर एक लीडर की पर्सनैलिटी को डिवेलप करते हैं उसकी कैपेबिलिटीज को डिवेलप करते हैं उसकी कंपिटेंसी एंड प्रोफेशनसीज को डिवेलप करते हैं सो वी आर गंग टू टॉक अबाउट द साइको डायनामिक अप्रोच द साइकोडाइनामिक अप्रोच जो कि बेसिकली एक लीडर की डेवलपमेंट ऑफ थॉट एंड पर्सनैलिटी एंड डिसीजन मेकिंग इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन वो कर रही होगी एज इट इज सेड के जो ह्यूमन माइंड है इट इज बेसिकली कंपोज ऑफ थ्री पोर्स देर इज ए अनकॉन्शियस साइड देर इज अ कॉन्शियस साइड और इन दोनों के दरमियान देर इज ए सबकॉन्शियस साइड अगर हम अनकॉन्शियस साइड ऑफ द माइंड की बात करें तो अनकॉन्शियस साइड ऑफ द माइंड इज बेसिकली देयर

अप्रोच में याद रखिएगा कि हमारी फीलिंग्स हमारे मोटिव्स, हमारी डिसीजन मेकिंग हमारे इमोशंस, हमारे मूड्स ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे गुजारा और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में कौन कौन से एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स थे जिसने हमारी सोच को डेवलप किया अब इमोशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है डिसीजन मेकिंग में, के साथ. हम अपनी self -worth वो जान पाए हम एम्पथी को यूज करें और हम सोशल स्किल को एहानस कर सकें so तमाम चीजें जो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है ऑब्वियसली एक लीडर को रिक्वायर्ड है ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग और मेंबर्स के साथ जो उसका ताल्लुक है उसको बेहतर कर सके अब एक लीडर बीइंग ह्यूमन मामला में इन्वॉल्व है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अपने फॉलोअर्स के साथ और एक रिलेशनशिप वो डेवलप करता है जिस रिलेशनशिप से वो बेहतर तौर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल सके और मेंबर्स की जरूरियात का ख्याल वो भी रख सके सो so, इस ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर एक लीडर का जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसर्न होगा ग्रुप्स में काम कर रहा है उसके साथ मेंबर्स इन्वॉल्व हैं तो ग्रुप फॉर्मेशन के प्रोसेसिस क्या हैं जैसे कि फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग परफॉर्मिंग एडजॉर्निंग हमारे पास टिपिकल ग्रुप फॉर्मेशन में काम करने के स्टेप्स हैं So, एक ग्रुप के प्रोसेस ग्रुप के जो डायनामिक्स हैं एक लीडर को उन तमाम बातों का ख्याल वो रखना होगा सेकेंडली लीडर को लोगों की एंजाइटीज को काम करना है लोगों के दरमियान होप को प्रमोट करना है ताकि उम्मीद की किरण से वो बेहतर तरीके से अपने काम को लेकर चल सकें और मायूसी ना उम्मीदी उनके पास ना आए तो मोटिवेशनल प्रस्पेक्टिव में भी एक लीडर को अपने साइको एस्पेक्ट्स को यूज साइकोडायनामिक अप्रोच को यूज वो करना होगा द थर्ड थिंग जो कि साइकोडायनामिक डायना अप्रोच में अहम तौर पर हम काउंट करते हैं दैट इज अंडरस्टैंड एंड सोसाइटल डिमांड्स के ओवरऑल माहौल में किस किस्म की जरूरत है लोगों की क्या जरूरियात हैं हर शख्स अपने अंदर एक यूनिक पर्सनैलिटी रखता है सो so उस पर्सनैलिटी की एसोसिएशन में उनको किन किन बातों का ख्याल वो रखना है तो एक लीडर को इन तमाम बातों पर नजर वो रखनी होगी द फोर्थ थिंग इज के बाजात लीडर को पॉजिटिव एक्शन की तरफ लोगों को उभारना है ताकि वो मुस्बत सोचें उम्मीद को बरकरार रख सकें और ट्रस्ट रिलेशनशिप को मुतासर ना होने दें सो दैट इज ऑल दैट वेन टू टॉक अबाउट साइको अप्रोच टू द लीडर नीड्स टू टेक केयर अबाउट सेकेंडली देर आर सर्टन विच्यूट ऑफ लीडरशिप और जब हम विच्यूड्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये लीडर के साथ एक ऐसा है को वो समझता हो जब अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ को वो समझेगा तो तभी वो ये भी जान पाएगा कि जो उसके फॉलोअर्स हैं उनकी जिंदगी में कहां कहां पर क्या, क्या कमी और क्या क्या अप्स एंड डाउन वह मौजूद हैं अब अगर हम साइकोडायनामिक डायनामिक पैराडिम की बात करें एक ऐसी सोच की बात करें जो साइकोडायनामिक एस्पेक्ट्स को जनरेट कर रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर्स नीड टू लुक इनटू रियलिटीज उसको आइडियलिस्टिक मॉडल्स को फिल वक्त छोड़ना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि हकीकत में दरअसल मौजूद बातें वो क्या हैं और हकीकत पसंद आना होकर वो बेहतर तौर अपने फॉलोअर्स की जरूरियात को समझ वो सकेगा साइकोडायनामिक डायनामिक पैराडिम में द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज Dynamics, के वो कैसे हो रही है का जब वो साइको डायनाडिम की बात कर रहा है और जब वो साइको डायना पैराडिम की डेवेलपमेंट में अपने आप को एवेल्युएट कर रहा है is, के उसको सिस्टम अप्रोच को भी समझना है उसको सिस्टम साइकोडायनामिक अप्रोच को भी समझना है कि ओवरऑल सिस्टम भी एक दिन की पैदावार नहीं है उस सिस्टम के बैकेंड के ऊपर भी बहुत सी हकीकतें हैं जो पोशीदा हैं सो so, उस डेवलपमेंट ऑफ थॉट को डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम को साथ लेकर चलना होगा साइकोडायनामिक अप्रोच में हमारे पास जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है दैट इज बेसिकली लीडरशिप थेरी और लीडरशिप थेरी में यह देखना होगा कि एक लीडर किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है वो ट्रांजेक्शनल ऑपरेट कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल ऑपरेट कर रहा है उसका अपने फॉलोअर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है उसका क्रिज्मा कैसा है और वो किन किन एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखता है जब वो लीडर कंसर्न में अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज है और वो उनको किस कदर विजनरी सपोर्ट वो दे पाता है तो एक साइकोडायनामिक डायनामिक में उसका रियलिस्टिक होना उसके ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स को समझना लीडरशिप को अंडरस्टैंड करना और सिस्टम्स के साइकोडायनामिक्स को भी अंडरस्टैंड करना वो जरूरी होगा अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो साइकोडायनामिक अप्रोच सिर्फ इस बात से कंसर्न नहीं है कि एक लीडर कौन है और कैसे ऑपरेट कर रहा है साइकोडायनामिक अप्रोच इस बात को भी फोकस करती है कि उसकी डेवलपमेंट ऑफ थॉट में एक पूरी तारीख पोशीदा है उसके बचपन के इंसिडेंट्स उसके जवानी के एक्सीडेंट्स ये तमाम चीजें मिलजुल कर एक लीडर की डेवलपमेंट ऑफ थॉट को वो जन्म देती हैं Thank you.